तो कुछ रंग प्यार के ऐसे भी आजकल फोकस करा है सोनाक्षी और देव की ग्रोइंग क्लोजनेस पे। जी हाँ, सोनाक्षी और देव दिन ब दिन पास आते हुए हैं और उनकी टीम आजकल इन चीज़ों पर ही फोकस कर रही है। सोनाक्षी बिलीव नहीं कर पाती अपने कानों से कि देव चोरी कर सकता है, वो भी ज्वेलरी की, और इसलिए देव को बचाने के लिए और देव को सही प्रूफ करने के लिए सोनाक्षी डिसाइड करती है कि अब वो ये पता करके रहेगी कि देव इनोसेंट है और असली थीफ कौन है। तो सोनाक्षी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और उसे पता चलता है कि डोनिता की माँ एक रियल थीफ है, ना कि देव। बिजॉय को जब भी पता चलता है कि उसने एक अननेसेसरी एलिगेशंस लगाए हैं देव पर फॉर स्टीलिंग और चोरी के गलत इल्ज़ाम लगाने पर, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है सोनाक्षी पर। सोनाक्षी आगे से बिजॉय को बोलती है कि उसे देव से माफ़ी मांगनी चाहिए और देव को उन्हें माफ़ करना चाहिए, देव को उसे ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए। तो ये सब तो बहुत अच्छा होगा ना, देखना कि जब देव अपने एक्स हस्बैंड के लिए मिस सोनाक्षी बोस उसे डिफेंड कर रही है, उसे सही प्रूफ करने जाती है और वो सबके सामने देव की इज्जत रखती है और वो अपने बाबा को भी बोलती है कि आपको देव से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये सब देखना तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इनमें तो चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और हर तरह की अपडेट इस सीरियल की पा सकते हैं आप A to Z चैनल पे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए नीचे। थैंक यू। तो कुछ रंग प्यार के ऐसे भी आजकल फोकस करा है सोनाक्षी और देव की ग्रोइंग क्लोजनेस पे। जी हाँ, सोनाक्षी और देव दिन ब दिन पास आते हुए हैं और उनकी टीम आजकल इन चीज़ों पर ही फोकस कर रही है। सोनाक्षी बिलीव नहीं कर पाती।